फ्रेंड्स, वेलकम टू लीजास फूड वर्ल्ड। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए संक्रांति और लोहड़ी स्पेशल तिल के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी और सॉफ्ट है। इस फेस्टिव सीजन में आप लोग इस लड्डू को जरूर बनाकर देखें और मुझे अपना फीडबैक बताएं। तो जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो तिल का लड्डू जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, इसमें गुड़ को पिघलाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसके लिए हम गैस पर एक पैन को चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे एक कप सफेद तिल, जिसे हम सेसमी सीड्स भी बोलते हैं। ये मेरा 240 ml का कप है और गैस के फ्लेम को हमें लो पर ही रखना है। इसे हमें लो फ्लेम पर लगातार सॉटे करते जाना है। ये हमें तब तक ही चलाना है जब तक कि ये जो सीड्स हैं ये थोड़े फूल ना जाए, यानी पॉप अप ना हो जाए, तब तक हमें इसे लगातार चलाना है। इसे हमें ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक भूनेंगे और ये ब्राउन हो जाएगा तो हमारे लड्डुओं में कड़वापन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे इसे चलाते हुए 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर देंगे। तो मैंने इस तिल को अभी ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर दिया है, तो अब आप इसे 1 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो इस तिल को हमें कोसली यानी कि दरदरा सा पीसना है, ज्यादा फाइनली पेस्ट नहीं करना है, नहीं तो इसमें से तेल छूटेगा। तो अब हम इसे पल्स मोड में ग्राइंड करेंगे। मैं आपको इसको ग्राइंड करके इसकी कंसिस्टेंसी बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे दरदरा पीस दिया है, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए। तो अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप गुड़। ये जो मैंने तिल डालने के लिए जो 240 ml का कप लिया था, उससे थोड़ा सा कम लिया है मैंने गुड़ को। ये जो गुड़ मैंने लिया है ये नॉर्मल गुड़ है। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। ये इलायची पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद ना हो तो आप ना डालें। और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून घी। ये घी हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो सॉफ्ट बने, इसे एक बाइंडिंग मिले। तो अब हम इसे फिर से 5 सेकंड के लिए पल्स मोड में ग्राइंड करेंगे। तो मैं इसे ग्राइंड करके आपको बता। तो मैंने सारे मिक्सचर को ग्राइंड कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ये होनी चाहिए, ताकि आप इसको जब ऐसे करें तो ये बंधना चाहिए, तो इससे हम आसानी से लड्डू बना सकते हैं। तो अब मैं इसको एक बोल में ट्रांसफर कर देती हूँ। तो अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर ड्राई है तो आप थोड़ा सा उसमें घी और डाल सकते हैं और एक बार पल्स मोड में इसे दोबारा पीस लेना और आप आसानी से फिर लड्डू बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लड्डू बनाते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो हाथ में लीजिए, एक नींबू के साइज जितना, और इसे लड्डू के शेप में गोल गोल ऐसे करते जाइए। इसमें अच्छा मॉइस्चर है, इसके लिए हमारा जो लड्डू है वो परफेक्टली बाइंड हो रहा है। देखिए कितने आसानी से हमने लड्डू बना दिया और ये इतना झटपट बनकर तैयार हो जाता है कि आप आसानी से बना सकते हैं। और ऐसे ही हम सारे लड्डू बना देंगे। तो मैंने सारे लड्डू बना दिए हैं। इस मिक्सचर से हम 8 लड्डू बना सकते हैं मीडियम साइज के। अगर आप छोटे छोटे बनाएंगे तो 10 से 12 बना सकते हैं आराम से। तो ये लड्डू की रेसिपी आप लोग इस फेस्टिव सीजन में जरूर ट्राई करें। ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को तिल पसंद नहीं होता, पर इस तरीके से आप बनाकर दें उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको एक तोड़कर बताती हूँ। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है और ये मुंह में घुल जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग। तो जाते जाते विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी संक्रांति एंड लोहड़ी।